अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने चैनल ट्रैवल द वर्ल्ड में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अब आ गए हैं यहाँ तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। ये हम आ गए हैं अंदर एयरपोर्ट के, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बोर्ड है, आप इस पे देख सकते हैं कौन सी फ़्लाइट का कहाँ जाने वाली है, कितनी लेट है, टाइमिंग से है या नहीं है। और ये सामने चेक इन काउंटर है, आप यहाँ भी शॉपिंग कर सकते हैं, हालांकि और जगह से मार्केट से काफ़ी कॉस्ट है, महंगा भी सामान मिलेगा, काफ़ी महंगा मिलेगा। और मुझे भूख भी लग रही है क्योंकि इस समय शाम के 4:28 हुआ है, इंडिया में तो काफ़ी टाइम हो रहा होएगा, कम हो रहा होएगा, 3 घंटे का डिफरेंट है। यहाँ अगर 4 बजे है तो इंडिया में बज रहा होएगा 1 के आसपास, हाँ समथिंग 1 के आसपास होएगा। अपना लगेज लेके सीधा अभी हम अंदर जा रहे हैं, पहले देखते हैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था क्या है। अभी हम अंदर आ गए हैं और काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे, ये टूरिस्ट प्लेस है ना। यही होटल ठीक ठाक लग रहा है मुझे, यहीं चलते हैं कुछ खाते हैं। फ़्लाइट तो अपनी थोड़ा लेट हो गई है, वेट भी काफ़ी करना पड़ेगा। मॉर्निंग के 5:10 पे हमारी फ़्लाइट है, काफ़ी डिले हो गई है। और ये जो सामने दिख रहे हैं ना छतरी टाइप के, उसके नीचे सब ये चेकिंग काउंटर हैं, सेल्फ चेकिंग भी कर सकते हैं आप लोग। मैंने तो सेल्फ चेकिंग किया था, बोर्डिंग पास भी सेल्फ ही निकाला था, खुद से ही नहीं मैंने निकाला था, मशीन लगी हुई है। बैग टैग भी खुद से निकाला था, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि बैग टैग और बोर्डिंग पास और चेक इन मशीन से आप कर सकते हैं, यह मशीन लगी हुई है, काफ़ी मशीन लगी हुई है। और जितनी बेनिफिट जितनी सुविधाएं यहाँ पर के दे करके रखे हैं, ये सब सिर्फ एयर एशिया का ही दिख रहा है और बाकी किसी एयरलाइंस का मुझे दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ एयर एशिया का ही दिखता है। मुझे तो लगता है ये एयर एशिया वालों का ही कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, बाकी किसी का ही नहीं है। एडवर्टाइज सभी कुछ जो है एयर एशिया का ही दिखता है। अभी हम अंदर आ गए हैं, ये मोहतरमा ने हमको बैठने के लिए बोला, मेनू भी दिया कि इसमें आप चॉइस कर लीजिए क्या खाना है क्या नहीं। और साइड में एक और दिया है, उसमें पेपर्स है, उसमें भी मेनू है, आप पेंसिल से इस पर टैग कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। खाना बहुत अजीब अजीब टाइप का है यहाँ पे, जो पाकिस्तान के होटल हैं उन पे आपको टेस्टी खाना मिलेगा, बाकी जो बांग्लादेश के हैं वो लोग तो सब वैसे ही बनाते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, दाल में पानी डाल दो, सब्ज़ी में पानी डाल दो, क्या है क्या है, मच्छी भात ज़्यादा खाते हैं वो लोग। और बहुत से बांग्लादेशी होटल
है जो अच्छा भी रहता है, वहाँ मिल भी जाता है, खाना पीना ठीक ठाक मिलता है। और हमने एक चिकन बिरयानी चॉइस किया है। दोस्तों मैं यहाँ के होटलों पे मैंने एक चीज़ नोट किया है कि अभी अपने इंडिया में देखिए या और भी कोई कंट्री जैसे अरब कंट्री में है, तो अगर आप वहाँ राइस लेंगे बिरयानी या प्लेन राइस, ठीक है ना, कैसा भी, तो आपको एक नंबर का राइस मिलेगा, सेला वाला, लंबा भी होता है वो। लेकिन यहाँ आप कितने भी अच्छे होटल में चले जाएं और अगर आप राइस के लिए बोलें, चाहे बिरयानी के लिए बोलें या प्लेन राइस के लिए बोलें, कुछ भी बोलें आप, तो आपको एकदम जैसे अपने वहाँ कोटा में चावल मिलता है ना, उसी में ला करके बना करके देंगे। ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। अगर उनको बोलो स्पाइसी मुझे चाहिए तभी वो लोग देंगे, नहीं तो सब मीठा उठा उठा करके मिला करके ला करके डाल देंगे, लो जाओ खाओ पियो, ठीक है ना। और ये 2150 की बिरयानी दिया है इन्होंने मुझे, ये देखिए, देखे ना वैसा ही राइस है ये। और काफ़ी कॉस्ट भी है, कोई टेस्ट भी नहीं है, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि भूख लगी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।